सोलन शहर के सरकारी राशन के डिपो में आजकल पानी वाली चीनी मिल रही है। बरसात के मौसम में विभाग ये कहकर टाल देता था कि बरसात में नमी के कारण चीनी गीली हो जाती है, लेकिन आजकल तो बारिश भी नहीं हो रही है। ऐसे में चीनी में पानी आना बड़ी बात है। यही कारण है कि अब चीनी की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। सोलन शहर के सरकारी राशन के डिपुओं में आजकल पानी वाली चीनी मिल रही है। बरसात के मौसम विभाग ये कहकर टाल देता है कि बरसात में नमी के कारण चीनी गीली हो जाती है, लेकिन आजकल तो बारिश भी नहीं हो रही है। ऐसे में चीनी में पानी आना बड़ी बात है। यही कारण है कि अब चीनी की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। चीनी में पानी आने से अब उसमें से बदबू भी आने लगी है। दूध और चाय का स्वाद भी इसके कारण खराब हो रहा है। अगर ये चीनी कोई भी व्यक्ति खाता है तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर इसका खराब असर पड़ सकता है। इसके लिए विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही अमल में लाएं, ताकि आम लोगों के स्वास्थ्य पर कोई खराब असर ना पड़े। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रण मिलाप शौंडिल ने हमारी खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें भी चीनी में पानी आने की सूचना मिल रही है, जिस पर वे जल्द ही डिपो का औचक निरीक्षण करने जा रहे हैं। डिपो में जाकर वे पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर चीनी में पानी आने की वजह क्या है। अगर सिविल सप्लाई से ही उन्हें इस तरह की चीनी सप्लाई हो रही है तो वे इस चीनी को वापिस भिजवाएंगे, और अगर डिपो चालक ही कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उस पर भी नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जो हिमाचल प्रदेश में और जिला सोलन में चीनी आती है, वो हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाईज कारपोरेशन के माध्यम से प्रोक्योर की जाती है। चीनी अच्छी गुणवत्ता की आती है, परंतु आज ही सुबह मुझे भी एक दो व्यक्तियों से फ़ोन कॉल आई और उन्होंने कहा कि चीनी गीली आ रही है। तो आज ही हमारे ध्यान में ये बात आई है। वैसे सप्लाई तो हमारी ओके है, फिर भी जैसे ये कंप्लेंट आई है तो आज ही हम इस कंप्लेंट की चेकिंग करवाएंगे, जाएंगे, देखेंगे। मौके पर अगर चीनी ठीक नहीं पाई गई तो उसको तुरंत रिप्लेस करवाया जाएगा और उसका सैंपल भी लिया जाएगा, जो कि एनालिसिस के लिए हिमाचल प्रदेश शिमला में जो हमारी लैब है, फूड सप्लाई की जो लैब है, उसमें हम इसको भेजेंगे सैंपल को। तो और हम ये इंश्योर करेंगे कि लोगों को सही चीनी मिले, और अगर डिपो होल्डर ने कोई गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर पीछे से चीनी आई होगी तो उस सारे अलर्ट को हम बैक कर देंगे। तो इसकी गहनता से चेकिंग की जाएगी आज, और जो भी परिणाम सामने आएंगे उसके खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।